हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, क्योंकि गुड मॉर्निंग तो होता नहीं है हम लोगों का। यहाँ जब से आए तो गुड मॉर्निंग होता नहीं, जब उठते हैं तो गुड आफ्टरनून लेट हो जाता है ना। तो आज हमारा है 4 days ना, डे 4 है मुंबई में। और आज हम कहां जा रहे हैं, लास्ट दिन भी हो, शायद हम लोग आज चले जाए वापस लखनऊ, हो भी सकता है क्योंकि कल मेरा अवार्ड फंक्शन हो गया और बहुत इंजॉय किया। आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो ब्लॉग जाके देख ले, हम किस किस एक्ट्रेसेस से मिले हैं, जो टीवी एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्ट्रेसेस, सबसे मिले हैं और बहुत अच्छा लगा मिलके। और आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना। और फिलहाल हम जा रहे हैं, अच्छा लगा था कल और आज, अभी पता नहीं हम किधर जाने वाले हैं, अनप्लैनेड है पूरा प्लान, अब किधर निकल जाए, कहीं भी चले जाएंगे ना, जो भी चले जाएंगे, परिंदे हैं उड़ते हुए, पता नहीं किधर निकल जाए, कोई पता नहीं। वीडियो में बने रहिए, कभी आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ हम जाते हैं ना, लास्ट डे हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अब जा रहे हैं हम लोग। तो भाई साहब, अभी हम होटल से सीधा आ चुके हैं कल्याण सर के ऑफिस में। खाना दीजिए अभी, ये देखिए इधर अवार्ड ही रखे हुए इधर। तो भाई यहाँ पे रील शूट हो रहा है कल्याण जी के साथ में, ये सब इधर देख रहे हैं। तो हम आ चुके हैं मनीष मार्केट, ये आप देख सकते हो लिखा है मनीष मार्केट। तो ये है मनीष मार्केट मुंबई की, काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं शॉपिंग के लिए। तो भाई साहब देखो, अभी आए मनीष मार्केट, यहाँ भी सिमरन का फैन, कैसा लग रहा है? तो मुंबई का ट्रैफिक ना बहुत रहता है, हर जगह पे रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट हो जाती है। तो दोस्तों, अभी हम गए थे मनीष मार्केट में, फिर अच्छे नहीं लगे, कपड़े नहीं मिले, तो अब आ चुके हैं बांद्रा में। ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पहले तो आप लोग इधर से शॉपिंग कर चुके हो ना? उधर से इधर आ गए, अब देखो इधर से किधर जाते हैं। मैंने बताया था अनप्लैनेड है प्लान, कहाँ घूमना कहाँ नहीं। तो भाई ये है पूरी की पूरी मार्केट, आप देख सकते हो किस तरीके से लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। वैसे मुंबई में शॉपिंग मार्केट बहुत सी हैं, हर एरिया में आपको शॉपिंग मार्केट मिलेंगे जहाँ पे आप जो है ख़रीदारी वगैरह कर सकते हो, मतलब अच्छे कपड़े मिल जाते हैं ब्रांडेड वाले यहाँ पे। तो देखिए बांद्रा में भी बहुत सी शॉपिंग करने के लिए बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। सिमरन तो फिलहाल दुकान के अंदर है, इस वाली ये है यहाँ से शॉपिंग वो कर रही है। मुझे अंदर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ। दोस्तों अभी मैं बांद्रा में ही खड़ा हूँ, ये जो बांद्रा हिल रोड मार्केट है उसके पास। और यहाँ का मौसम ना दो दो मिनट में बदल जाता है, अभी धूप हो रही थी, अभी जो है छाँव है, बारिश होने वाली है और लगभग एक घंटा हो गया मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन अभी सुंदर शॉपिंग करके नहीं निकली। मैं अंदर गया था लेकिन यहाँ पर लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं भाग गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब इतने सारे लेडीज़ उसमें मैं जेल खेला तो मैं बाहर निकल आया, क्योंकि इस शॉप पर सिर्फ लेडीज़ के ही कपड़े मिलते हैं, जेंट्स के तो मिलते नहीं, कि जेंट्स के लिए आते हैं। क्या लिया तुमने? 6,000 की शॉपिंग किया। 6,000 रुपए में क्या लिया, कितने ड्रेसेस लिए? गाउन लिए हैं, ड्रेसेस व्हाइट कलर की ड्रेस लिया है, बहुत सारी ड्रेसेस लिए हैं, मीडी लिया है। चलो तो सिमरन यहाँ पे अभी बूट ले रही, लॉन्ग बूट हाँ। ले लिया तुम्हें? तो यही रहते हो या घूमने वगैरह?
पास पास में आ गया था तो बंद था, लेकिन इस बार खुला नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। खुला मिल गया, हवा देख रहे हो, हवा में बाल देखो कैसे जा रहे हैं। तो सिमरन यहाँ पे बनाएंगे वीडियो और नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो भाई साहब ये रहा पूरा जुहू का नज़ारा, और भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है कुछ कर। पिछली बार आया था तो यहाँ तक तो पानी था, लेकिन इस बार जो है पीछे चला गया पानी समुद्र का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़ारा देखो। और यहाँ के ये देखिए ऊपर जहाज भी जा रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, वाओ क्या नज़ारा है भाई, अच्छा लग रहा है। हाँ खुले में चलो, खुले में चलते हैं। नहीं फोटो नहीं चाहिए मेरे को। तो तीन लोग हैं हम लोग, तो भाई साहब अभी हमको भैया मिल चुके हैं इस साइड में, भैया तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा मिलके, भैया से चार दिन से यहाँ पे था लेकिन भैया को टाइम नहीं मिल रहा था, फाइनली आज मिल गया था। अभी आपके पास टाइम है कि नहीं? टाइम है लेकिन कितना है? बहुत ज़्यादा, आधा एक घंटा। अच्छा नहीं वहाँ पे मतलब घूमने वाली जगह नहीं है ना, इधर बढ़िया आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ मैं देखो सिमरन जी के लिए 1.6 क्या उन्होंने बोला था कि कटिंग करके लिए मुझे मत लगा नहीं, उन्होंने कटिंग किया लेके आया। वैसे नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का, हर मतलब हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ। पिछली बार मैं आया था तो अच्छा ही नहीं लगा क्या, पिछली बार मैं आया था तो यहाँ पे अच्छा ही नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार अच्छा लग रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो यहाँ पर आप आते हो घूमने के लिए, तो आप चटाई भी ले सकते हो रेंट पे। चालू इधर मैं सो के छोड़ के आया, मैं कल सारा दिन फ्री था आपके लिए, मैं सोच कर कर तक चलो निकालूंगा। अच्छा मैं बोला वह चला गया, मतलब आप बोले कि जो है उनका ये है। तो इधर लोग नहा भी रहे हैं, चलो हम लोग भी नहा रहे थे। नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, इतना शौक नहीं है, देख रहे हो कितनी तेज पानी है, लेकिन तब भी अच्छा फीलिंग बेटर। ये देखो भाई इधर मतलब वहाँ से स्टार्ट है, वहाँ काफ़ी लंबा है ना, यहाँ जॉगिंग करने आते हैं। अच्छा बच्चन बंगले से लेके भाई देखेंगे। अच्छा हीरो वगैरह मिलेंगे इधर, सुबह सुबह आओ घूमने तो मिलेंगे, सब वॉकिंग करते हैं यहाँ पे। अच्छा हीरो वगैरह देखना है। ये देखो सिमरन के फैन मिल गए भाई साहब, रुको रुको रुको, सो भाई फैन मिल चुके। ओ भाई भाई साहब यहाँ पे हम लोग मतलब भैया को देखा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे फैन इकट्ठा हो गए। ठीक रेडी? देखो भाई कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। मेरे फैन है ना, इतने बड़े फैन है, इन्हीं केक लाए हैं, तो एक बार फिर से मैं 1.6 मिलियन का केक कट करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और कल मुझे दादा साहब पार्टी की तरफ से आइकन अवार्ड मिला था 2023, आप सभी को पता है ना। तो भाई साहब इधर चल रहा है अभी इंट्रोडक्शन, सिमरन वीडियो बना रहे हैं, काम तो भाई अभी देख लेके खड़े हैं। यहाँ पे कट चुका है और लोगों में बटने लगा है, देखो देखो लाओ लाओ हम शूट कर दें, लाओ हम शूट कर दें। थैंक यू।
कैसा लगा भाई मिलके आपको? अच्छा लगा, और साथ में केक भी कट हुआ डबल, मतलब कि आपको अच्छा लगा होगा ना। अच्छा, कितने दिन से? 3 दिन इंतजार कर रहे थे। 3 दिन से? तो मतलब पता था कि हम यहाँ आएंगे? दिन पहले से ही पता था। अच्छा, चलिए तो फाइनली आपकी तमन्ना पूरी हो गई, मिल लिए। बस ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अरे सिमरन सिमरन ने पिछली बार भी था। मुझे लगा भाई चॉकलेट पसंद है। नहीं मतलब ये तो नहीं लगा कि लड़कियों को चॉकलेट पसंद है इस वजह से? ऐसा नहीं, अगर वनीला ऐसा कुछ अगर अदरवाइज होता तो मैं वो लेके आता। नहीं अच्छा है, बहुत पसंद है, चेंज कर तो। भैया क्या लाए हो बैग में वैसे? इसमें क्या है, कैमरा है क्या? मालूम पड़ेगा ना, सरप्राइज है। अच्छा सरप्राइज है, चलो देखते हैं भाई साहब। भाई वो पार्टी का था, इन्होंने बोला था मैं जाकर पार्टी करूंगी, मैं देखा इन्होंने केक नहीं काटा, मेरा पहले केक लेके गए थे। ठीक है, ये सुनने के लिए। ओ भाई क्या है, अब तो वो खोल के देखोगे तब तो पता लगेगा क्या है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। लो भाई यहाँ पे तो गिफ्ट बट रहे हैं आंटी जी। हाँ, का गिफ्ट ओपन हो चुका है। और अरे सिमरन के गिफ्ट में सिमरन निकल आई, कैमरे से फोटो खींचा वो डाला था। हाँ ये पिछली बार खींची थी फोटो ना, इस पे लिखा क्या है? सिमरन, सिमरन फिल्म स्टूडियो। अच्छा हाँ, मेरा तो रह गया खोलने को, मैं भी उसको खोलता हूँ। अरे हाँ करिए सर, यहाँ पे वॉलेट निकला है देख सकते हो, और इसमें वो भाई पेन भी है। वाओ, ढूंढ के लाए। मोहित तुम्हारा कभी वॉलेट गिरेगा ना, जान जाएंगे ये किसी मोहित किसान के वॉलेट है। मोहित मोहित वॉलेट गिर गया। बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। एक गिफ्ट और रह गया है। ओके अच्छा, अच्छा अच्छा रेडी हो गया, कंपनी में है। कोई बात नहीं, अगली बार आऊंगी। तो कैसा लगा मोहित आपको गिफ्ट लेकर? बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया। फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, वो भी क्या वॉलेट, मतलब मैं तो कभी रखता ही नहीं था। तो अब रखिएगा, लेकिन अब रखना पड़ेगा क्योंकि अब किसी ने गिफ्ट दिया है, उसको ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, अब यूज करेंगे, उसमें पैसे भरेंगे। भाई साहब रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, आप देख सकते हो अब भी लोगों का मोबाइल ही चल रहे हैं। सिमरन भी इधर व्लॉग बना रही है, और ये देखिए जहाज जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बच्चे इस समय बच्चे भी मज़े ले रहे हैं, लेकिन नहा कोई नहीं रहा है, देख सकते हो। तो भाई साहब अभी टाइम हो चुका है शायद 7:30 बज रहा है मेरे हिसाब से, मैंने घड़ी नहीं देखी, देखो कैसा दिख रहा फेस। और मैं आया यहाँ जुहू पे, बहुत अच्छा लगा, पिछली बार नहीं अच्छा लगा था, मैं थोड़ा ट्राई करके गया था इधर भी, लेकिन अब मैं उसको रिटर्न लेता हूँ, अच्छा लगा इधर। ठीक है, तो बस मैंने आपको जुहू दिखा दिया, और इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं समाप्त, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग भी हो गया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।